हर महीने हम सभी का एक ही प्रॉब्लम होता है कि महीना ख़त्म होते होते हमारे बैंक के अकाउंट्स लो या फिर एम्प्टी हो जाते हैं और हम वेट करते हैं हमारे अगले महीने की सैलरी का। हेलो दोस्तों, मैं कोमल आउटी इस वीडियो के साथ आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, पैसे मैनेज करना तो हमने बखूबी सीखा है, बट आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल और एक अच्छी टेक्निक लेकर मैं कोमल आपके सामने आई हूँ, जिससे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि इस टेक्निक के थ्रू आपका महीना कैसे पास हो गया और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी बिना लो हुए, राइट? तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ रूल ऑफ सेविंग की, जिसका नाम है 50-30-20 थंब रूल। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये है 50-30-20 थंब रूल। तो मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है दोस्तों, जो कि आपको यूज़ करनी है। तो देखिए, जो भी आपका इनकम है वो मैटर नहीं करता, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो या 50,000 हो, बट ये रूल यूज़ करते ही आपके जितने भी मंथ एंड के प्रॉब्लम्स थे, बैंक अकाउंट्स लो होने के प्रॉब्लम्स थे, ये इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि जितना भी आपका इनकम है उसमें से 50% आपका खर्चा होगा वो होगा आपके बेसिक नीड्स के लिए। तो बेसिक नीड्स होते क्या है? बेसिक नीड्स होते हैं हमारा रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए आप आपकी सैलरी का, आपके इनकम का 50% फंड यूज़ करोगे। दूसरा आता है 30% आप फंड यूज़ करोगे आपके विशेज एंड वांट्स के लिए, जो कि नेसेसरी तो नहीं होते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कुछ चीज़ें अपने लिए करना, जैसे कि न्यूज़पेपर के बिल्स हो गए, मोबाइल बिल्स हो गए, होटलिंग हो गया, मूवीज़ हो गए, कोई एक्सेसरीज़ खरीदना हो गया, कोई फर्नीचर खरीदना हो गया, ये हमारे 30% में आएंगे। और बचा 20%, वो उसमें आता है आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर महीने आपको करनी ही है, करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी इनकम मैटर नहीं करती कितनी है, बट हाँ, आपके ज़रूरतों के हिसाब से आप ये रेशियो ज़रूर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 60-20-20 या फिर 40-40-20, जैसे भी आपकी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से आप इस रेशियो को अपने हिसाब से टर्न कर सकते हैं और आपका एक्सपेंस चार्ट बना सकते हैं। और विश्वास कीजिए दोस्तों, इस रूल के साथ आपको हर महीने जो भी बैंक अकाउंट लो हो रहे थे उसकी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना भूलिएगा मत, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं कोमल आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।